Good things are happening by how are you Def feeling oh, I feel uh, amazing, but I still feel that I'm yet to begin um, <laughs> not boots and cats like i I didn't learn no i I can't do that I didn't learn it that way.

बट आई थिंक अ बेटर वे टू पुट इट मतलब मुँह से आवाज़ निकालता है क्या होता है <laughs> मुँह से तो बहुत आवाज़ें निकलती है भाई तुम बोप करते तो भी निकलती है मैंने वेडिंग शो किया भाई एक घंटे लगातार बी पॉक्स और सिर्फ बी पॉक्स फ्लूट और कीबोर्ड है

और थकान मिटा रहा हूँ अभी थकान मिटा रहा ट्रैवलिंग uh, माइक आगे कर लो माइक इफ यू वांट टू लाइक चलेगा इतना यस yes. हाँ. Right. हाँ हाँ तो बस यार मैं बैक टू बैक ट्रैवल कर रहा था बाय गॉड्स ग्रेस हाँ जी एंड uh, थोड़ी थकान मिटा रहा हूँ अभी थकान so, मिटा, so मिटा रहे हो बट अच्छी थकान है मतलब कैसे कैसे थकान मिटाते हो भाई कुछ नहीं करता भाई मैं हाँ मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कुछ मत करो हाँ. बेस्ट पार्ट लगता है रहो हाँ, कुछ मत करो उठो फिर थोड़ा लैपटॉप चला लो देख लो कुछ हाँ. फोन चला लो देख लो खा लो सो जाओ वापस उठ जाओ फिर कुछ मत करो या yeah. फिर फिर कुछ खेल लो फिर वापस सो जाओ बेस्ट बेस्ट चीज शाबाश शाबाश

की उम्र से आप बीट हाँ, बॉक्सिंग कर रहे हो हाँ इस बारह पता नहीं होता कि भैया टीवी में क्या देखना है <laughs> तब से आप बीट <laughs> बॉक्सिंग शुरू कर दिया था आपने हाँ Shabash. हाँ यार, मतलब आई थिंक सो फॉर अ ईयर आई हैड नो क्लू दैट दिस इज कॉल्ड बीट बॉक्सिंग ऐसे कि आई टू टैप बेंचेस जब लंच टाइम होता था दोस्तों के साथ हाँ, वही टाइम पास ठीक हाँ. है एंड देन वन वन डे डे आई थॉट दैट वाई शुड नॉट वाई शुड आई नॉट डू दिस फ्रॉम माई माउथ

I I didn't even know, but But it just started. Mm. For a year, I had no clue that this is called beatboxing. Mm -hmm. mm -hmm. हमारे और उन्होंने बोला कि कोई बीट बॉक्सर है क्या मैंने कहा लग तो रहा है कि जो ये बोल रहे हैं वो मैं शायद करता हूँ फिर मैंने उनसे पूछा फिर उन्होंने बोला कि हाँ इसे कहते हैं। अच्छा। मैं है <laughs> सो आ, मैं अच्छा ऐसा घर पे पे गया और आ, मैंने गूगल किया, पे कुछ वीडियोस देखे। कहा ओ दिस इज़ कॉल्ड और कुछ दो तीन ही देख पाया था क्योंकि हाँ। जीबी पर इन्होंने बहुत लूटा मतलब कुछ वीडियो देखे और बट बट ऐसा ना इतना कुछ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज आई प्ले वॉलीबॉल सो सो दैट होल इतना कुछ नहीं था बस टाइम पास था लाइक हॉबी लेवल ऐसा सोचा नहीं था कि बीट बॉक्सर बनना है आप कम्फर्टेबल हो जाओ भाई आपको जैसे आपको रखना रख लो बिंदास तो एकदम हॉबी लेवल कमिटमेंट था ठीक है कुछ था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है सो हाँ सीखा कब सीखना कब शुरू किया या फिर सेल्फ uh, मैंने सीखा नहीं है like, sure hmm. exactly so yeah. इसको थोड़ा सा और परस्यू करते हैं hmm. क्योंकि होता क्या ना भाई क्लास एट नाइन में क्योंकि hmm. हम देखते हैं कि अभी एक तो तो पढ़ाई रहती है hmm.

वॉलीबॉल खेलना है। मुझे वॉलीबॉल खेलना है मुझे मतलब खेलना है एंड मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है ठीक है मतलब ये बहुत ही क्लियर कट था ठीक है कुछ बीट बॉक्सिंग का ऐसा कुछ सीन नहीं था वो बस चल रहा था कुछ भी मतलब ऐसा कुछ था नहीं उसमें सीन इतना बट वेन आई केम टू डेली आई थिंक देन थिंग्स चेंज बिकॉज आई गॉट Uh, more access to the internet mm -hmm. so i was able to watch more videos uh, okay. and uh, listen to more beat more beatboxers mm. so when i was listening to more beatboxers and uh, listening to their techniques mm. and and their skill set i think th that's when i thought that uh, you know i should st uh, start beatboxing थोड़ा seriously yeah. but um,

कैसे कोऑर्डिनेट किया uh, मैंने नहीं किया uh, कुछ और बीट बॉक्सेस थे हाँ, दो तीन हाँ. uh, तो उन्होंने उनकी बात बात उसने मैसेज किया उन्हें हाँ. पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया अच्छा एंड देन वी वेंट टू दिस होटल जहाँ की लॉबी में हम बैठे वी एक्सचेंज यू नो एनर्जीज एंड लाइक बात करी बीट बॉक्स के बारे में तो मुझे पता चला अच्छा बीट बॉक्स की प्रैक्टिस भी होती है hmm. उस वक्त तक ये नहीं पता था कि प्रैक्टिस कैसे होती है अगर होती है तो So, I think uh, the whole conversation with him, because uh, I had a very different uh, style of doing beatboxing. Mm -hmm. So, I was. Which is, which is like, I. I don't <laughs> mic there. I'm sure <laughs> okay. the audience would love it. Um, <laughs> so, it's sweet, not boots and cats. Sweet. It's not boots and cats. No, it's not boots and cats. Like, I, I didn't learn.

Exactly. ये तो इतना तो इतना हाँ. नहीं पता एंड चाम की हाँ, but, yeah, okay. so, uh, hmm, ki, हाँ course, मतलब भाई किल कर रहा है हाँ. फेस्ट वेस्ट में गा रहे तो यार लड़की हाँ. आ रही है कि ओ माई गॉड ये, वो ये वो. <laughs> तो आप यहाँ हुआ भाई ये सब आई एम श्योर

कि नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन अब तो बना दी है भाई अब तो बना दी है शाबाश सो या आई थिंक आई थिंक कुछ था नहीं टू बी ऑनेस्ट इतनी अवेयरनेस नहीं थी व्हेन वी स्टार्टेड बट नाउ व्हेन यू सी इट देयर आर बीट बॉक्स कम्युनिटीज दिल्ली बीट बॉक्स कम्युनिटी बॉम्बे बीट बॉक्स कम्युनिटी बैंगलोर बीट बॉक्स कम्युनिटी सो सो ऑल देयर आर बीट बॉक्सेस जैम

Ah. कि ये अंडरग्राउंड कमर्शियल है, है मुझे ah. ये लगता है कि अगर आपको ये परस्यू करना है बहुत सीरियसली तो भाई पैसे तो कमाने पड़ेंगे hmm. सीधी बात है पैसा मोटिवेटिंग है इसमें hmm. कोई दो राय है ही नहीं hmm. आर्ट करो अपनी जगह सब आर्ट करते हैं hmm. बट uh, आपके आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है टू बी ऑनेस्ट करेक्ट या तभी आप भी बहुत मोटिवेटेड हो गए लाइक मोर थिंग्स टू डू आई थिंक एंड यू यू बी रेस्ट्रिक्टेड To some area, hmm. you have more doors to you know explore. Right. Yeah. That is phenomenal, by And I think after you won India's Got Talent, yeah. after AGT happened, after Indian Idol happened, yeah. <coughs> good things are happening, by How are Def you feeling? Oh, I feel uh, amazing, but I still feel that I'm yet to begin. So, yeah. so yeah. Uh, this is just a start, and it's an amazing start.

आई थिंक इट्स मोर देन मेमिकिंग ऑफ ड्रम बीट्स एंड साउंड फॉर मी आई थिंक बीट बॉक्सिंग इज क्रिएटिंग म्यूजिक फ्रॉम योर माउथ आई थिंक बहुत लेम लैंग्वेज में बोल रहा हूँ बट आई थिंक आ बेटर वे टू पुट इट मतलब मुँह से आवाज़ निकालता है क्या होता है <laughs> मुँह से तो बहुत आवाज़ ही निकलती है भाई तुम बोप करते हो तो भी निकलती है तो so,

You, आ, आप उसको कैसे सी, आप सीरियस आर्ट फॉर्म कैसे बताओगे yeah. ठीक है yeah. आप खुद की आर्ट फॉर्म के लिए अगर आप कैजुअल वर्ड्स यूज कर रहे हो नो वन विल टेक यू सीरियसली एंड नो वन विल टेक आर्ट सीरियसली सो आई थिंकट वॉज फॉर श्योर आई थिंकम आई वुज हाउ बीट बॉक्स यूज टू प्रोजेक्ट बीट बॉक्सिंग मे बी दे स्टिल्स्पेक्टिव परसेप्शन जो होना चाहिए आपका बीट बॉक्सिंग का mm. जो मेरा है mm. इट्स आई थिंक क्रिएटिंग म्यूजिक फ्राम माई माउथ फैंटै एंड फॉर मी दैट इज बी पक सिंह जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट हिर दिव्यांगश भाई फॉर द ऑडियंस हु नो यू कम फ्रॉम जयपुर ठीक है आई ऑल्सो कम फ्रॉम राजस्थान आपका एक बेस दिस गाँव एंड राजस्थान कॉल नोखा नोखा मैं भी नोखा से हूँ

एक तो क्या है कि मैं ना बहुत अच्छा था पढ़ाई में अच्छा और खेलने तो भाई में भाई भी, को सब आता है भाई तो ये होता हो सब पढ़ाई भी कर लो वॉलीबॉल भी खेल लो डीयू भी चले जाओ बीट बॉक्सिंग तो भी कर लो तो मैं जब डीयू गुड विद विमेन आल्सो व्हाट इज द सीन भाई आई डिड फेयर एनफ भाई चलो कंटिन्यू बट सो मूविंग ऑन लॉट ऑफ पीपल शुड

शाबाश so, शाबाश यानी <laughs> मतलब लेग लेग कर भैया थोड़े बट बट हाँ, सो हमारा तो 92 आई बट ओके जस्ट जस्ट पुटिंग इट आउट जस्ट पुटिंग इट आउट देयर हम भी पढ़ते लिखते थे थोड़ा बहुत अमेजिंग आ भाई बट सो uh, so, मुझे ये पता था कि देखो सीधे तो अपन ऐसे बोलेंगे नहीं हाँ, कि मेरे को ये करना है, है, हाँ, ठीक पहले थोड़ा बेस में खुद भी कॉन्फिडेंस हाँ, में आएंगे हाँ, ये करना है, नहीं हाँ, करना थोड़ा माहौल बैठाएंगे फिर बोलेंगे ना कि ये करना है, हाँ, करेक्ट। तो आ, अभी दिल्ली में चल रहा था पढ़ाई भी चल रही अब क्या माँ बाप को नहीं पता चल रहा ना कि बच्चा कर क्या रह? करेक्ट बच्चा पढ़ भी रहा है बट ये भी कर रहा है ठीक है ठीक है मतलब डी यू यार मतलब यू एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी यू यू बिल्ड लॉर्ड ऑफ अदर थिंग आई थिंक आज मतलब उस वक्त भी ये था ना आज भी ये हंड्रेड परसेंट सो हाँ मतलब आई थिंक ये था तो जब मुझे लगा कि हाँ अब मेरे को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ah. तो मैंने कहा कि इंडिया में ना एक ही चीज है ah. जिससे लोग लोग को लगता है कि लड़का स्टार हो गया अच्छा ठीक है टीवी पे आ जाओ, पे आ जाओ। अब अब टीवी पे आ जाओ बढ़िया भाई मैं कहा कि अब क्या करें चाहे वो ड्रग्स करके आओ चाहे वो जेल जाके आओ टीवी पे आ जाओ मतलब अच्छे कामों के लिए टीवी पे आओ आई एम जस्ट किडिंग सो 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 हाँ तुम uh, थर्ड ईयर हो गया था और yeah. अब ऐसा था कि आई थिंक एमबीए करना पड़ेगा तो hmm. जयपुर जाना पड़ेगा right. क्योंकि मैंने कहा दिल्ली से थोड़ी बस भी हो गई है तो yeah. जयपुर जाके पढ़ाई करूंगा और yeah. फिर देख लूंगा एम कॉलेज करेक्ट तो मैं कहा पर उससे पहले ना सो दिसंगिटी करोटीड जी और कैसा था ऑडिशन था बहुत अमेजिंग था क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त आई आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर एट टू टेन आवर्स अ डे एंड सब कुछ चल रहा था चल रहा था एंड एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे शो करना नहीं था इट जस्ट हैपन वन ऑफ माई फ्रेंड शी सेंट आर वीडियो लाइक अ जैमिंग वीडियो वी रिकॉर्डेड अच्छा एंड दे लाइक ही कम फॉर द ऑडिशन सो आई वेंट फॉर द ऑडिशन इट वेंट रियली नाइस एंड देन आई वॉज पेयर भोजपुरी सिंगर भोजपुरी फोक सिंगर इन दैट शो एंड आई केम ऑन टीवी अरे स्वीट भाई उस समय क्या परफॉर्म किया था एक बार थोड़ा सा सुना दो यार फिर मैं मतलब मेरे को याद भी नहीं है बट आई थिंक बहुत हम उस वक्त हमारा एक ना वो एक चटनिया करके गाना था भोजपुरी फोक सॉन्ग इट वाज इनसेन ठीक uh -huh. है तो उस पर आई डिड समथिंग जो मुझे ऐसे कर सकते हो गया ड्रॉप ड्रॉप याद आ रहा है मेरे को आई थिंक ड्रॉप तो याद है मुझे पता <laughs> पानी है उधर इफ यू वांट वाटर देयर इज वाटर लाइक लाइट नेक्स्ट हाँ, ऐसा कुछ था ऐसा कुछ था मतलब भाई हम हाँ अपन ना रियाज के बारे में ना आएंगे <laughs> रियाज पे आएंगे कि कैसे रियाज करते हो क्या क्या yeah. प्रोसेस क्या रहता है भाई yeah.

व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है ठीक है वो लोग टीवी देख रहे हैं हाँ. तो हमारे हैं फोटोज भेज रहे होंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एवरीथिंग एवरीथिंग वाज हैपनिंग ठीक है सो इवन इफ दे कांट अंडरस्टैंड दैट थिंग उनको ये पता है कुछ, कुछ अच्छे कुछ तो काम के, के लिए आ रहे, रहे हैं हाँ. और इसकी वाहवाही हो रही है है ना तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली वो कन्विंस हो गए मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा टू बी ऑनेस्ट मुझे पता था कि मैं मैं ना कभी भी किसी वजह से कन्विंस नहीं कर सकता yeah. कि मुझे ये करने दो माई mm. इज़ अगर मुझे कुछ करना है जब भी कुछ कभी करना हुआ है तो मैंने मेरे पेरेंट्स को आई थिंक मतलब खुद को प्रूव किया मैंने mm. मैंने अपने पेरेंट्स को ही प्रूव नहीं किया कि ये मुझे करना है mm. when they were little against volleyball for sure because because reservations and I totally understand we come from a very humble उंड और हमें होता है कि भाई एक अच्छी जॉब ले लो स्टेबल इनकम और ताकि लाइफ सिक्योर रहो सी सीए कर लो हाँ मतलब एम बी ए कर लो पैसे कमाओ बेसिकली स्टेबल इनकम सर्टेनिटी राइट ठीक है अनसर्टेन नहीं होना चाहिए ठीक है तो उनके नया नया हाँ, हाँ. like हाँ. yeah, right? exactly. जैसा थॉट प्रोसेस रहता है लोगो का एटलीस्ट गाँव छोटे छोटे गाँव में हाँ अभी भी किसी को नहीं पता बीट बॉक्सिंग होती क्या है हाँ. और अगर पता भी है तो वो यही है कि कोर्ट एंड कोट मुंह से आवाजें निकालता है हाँ, राइट? हाँ, और हाँ, ये नहीं पता कि इट इज मेक गुड मनी राइट तो ये नहीं पता लोगों को हाँ, बस हाँ, लोगों को हाँ. पता है कि हाँ, मतलब कुछ तो होता है हाँ, ऐ, कुछ तो होता होगा या शौक के लिए करता है पता नहीं क्या करता है ठीक है बट वो सब चला गया ठीक है उस वक्त hmm. और मतलब टू बी ऑनस्ट वो आया ही नहीं मेरे मेरे ऊपर इतना ठीक hmm. है और इफ़ यू टॉक अबाउट माई एक्सटेंडेड फैमिली आई थिंक एवरी वन इज सो अंडरस्टैंडिंग एंड मैं सबका फेवरेट रहा हूँ ठीक है तो उन्हें ये पता रहा है कि अगर ये कुछ कर रहा है ना तो ठीक कर रहा होगा तो क्योंकि ये मतलब

Because you've done a few things, hmm. that is absolutely remarkable, hmm. right? Hmm. Um, winning IGT in itself is a is a huge huge accomplishment. It Congratulations is. on that, bye. Thank you, bye. uh AGT All Stars, people dream of being there. For sure. International, big stage. Yeah. Biggest forum out there. Yeah. Right, you've been there. Yeah. Performing with the Sunidhi Chohan. <laughs> yeah. We'll come to the jump. स्पेसिफिकली yeah. <laughs> कि आपने जम्पिंग कोई चीजें हुई है, भाई. Uh, बहुत होता है hmm. कि यार, uh, अरे दिव्यांश तो ऐसा है अरे दिव्यांश तो ऐसा hmm. है अरे hmm. मतलब uh, कि hmm. आ रहे हैं वीडियोज hmm. आ रही है इंटरव्यूज hmm. हो रही है hmm. um, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ यार कुछ तो अच्छा हो रहा है hmm. लेकिन हाउ टू इफ आई मे इट इन द मोस्ट लेमन टर्म्स हाउ टू स्टे डाउन टू अर्थ कैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में hmm. दिमाग में चलता रहता है वो सब hmm. कि यार बहुत कुछ हो रहा है hmm. तो डू यू गेट इनफ्लेटेड और डू यू स्टे डाउन टू अर्थ हाउ डू यू स्टे सो इन डिफरेंट लाइक वो वट इज देर अ प्रोसेस वॉट यू डू यार एक लाइन है कि छत को छत होने पे गुरूर था एक मंजिल बनी और छत फर्श बन गई अरे शाबाश सो तो मुझे मतलब मेरा ये मानना है कि एक तो मैं सच में मैं बहुत इनडिफरेंट हूँ बिकॉज आई फील दैट आई एम फॉर अ बिगर पर्पज मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी सो मेरे को नहीं फर्क पड़ता इतना मतलब टू बी ऑनेस्ट जैसे ही आई जी डी खत्म हुआ था द मोमेंट आई वन वन द शो राइट जस्ट आफ्टर टेन मिनट्स, फिफ्टीन मिनट्स जब थोड़ा सा सेटल डाउन हुए आई वज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स एंड दे आजमी कि आप क्या करना है सो आई साइट कि यार एक रिकॉर्डिंग है वो करने जाना है कल सो दे देख पागल हो गया क्या <laughs> क्या ये बिकॉज वो तीन चार महीने से चला आ रहा है राइट लाइक नहीं मेरे को कल मेरा कल एक रिकॉर्डिंग सेशन है शायद hmm. मेरे को जाना होता है So, uh, मैं बहुत इंडिफरेंट रहता हूँ hmm. और जो कभी कभार गलत भी है Haan. थोड़ा पता भी होना चाहिए uh, वो एक बैलेंस होना चाहिए आई 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 थिंक मैं hmm. सीख रहा यू यू डोंट सेलिब्रेट 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 और डू नो नेवर नेवर अब करते हो नाउ इन और यू सेबरेट लार्ड और अकम्प्लिशमेंट्स की हाँ ये हुआ है तो सेलिब्रेट करेंगे नहीं तो इसके लिए क्या ही क्या खर्चा करना पाँच हज़ार तो रुपये यार मेरे को तो पता है? है मेरे को तो पता <laughs> है क्या लगता था कि आ, बहुत अजीब बात होगी पता है बहुत अजीब सुनने में लगेगा बट ए भी आया था ना हाँ तो भी आई वॉज नॉट श्योर कि अरे घर पर स्क्रीनिंग रखूँ या नहीं रखूँ क्या बोल रहे हो भाई सच्ची में हम तो पूरा बढ़वा देते है लड़का आ रहा है, टीवी पे। आ देखो भाई है। पे हाँ मतलब मतलब पता नहीं यार मैं ऐसा ही हूँ थोड़ा uh, और uh, मुझे बस ये होता है कि पर एजीटी वक्त फिर हमने किया hmm. कि मुंबई uh, वाले घर में मेरे तो वी हार्ट पुटअप स्मॉल स्क्रीनिंग जहा पे मेरे दस बारह बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स आए एंड ठीक है वो स्क्रीन किया एंड बस yeah. वी वर टॉकिंग चैटिंग एंड इट वॉज फॉर लाइक यू नो टू थ्री आवर्स अफेयर एंड एंड दैट्स इट बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जहन में रखते हो और उसे बहुत रिप्ले करते हो ना ah. तो आप ना बहुत डिस्ट्रैक्ट uh, हो जाते हो hmm. मतलब अगर किसी का पर्पस ये है कि मेरे को ये रियलिटी शो को जीतना है ठीक है तो फिर वो उस पर ही यू नो लाइक मज़े करता रहेगा hmm. उसी बात पर ठीक है Uh, और उसी बात को लेकर बैठा रहेगा hmm. और उसी बारे में पूरे साल पोस्ट करता रहेगा आई शो आई वन द शो ठीक okay. है आई वन द शो लाइक एजी टी आया लाइक सब ने स्टोरी शेयर करी hmm. बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं uh, भाई ये बेसिक <coughs> पता है साउंड करता है hmm. बट ना ये ये जेनरली दिस बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन की स्टोरी शेयर कर दी hmm. ये कर दिया वो कर दिया hmm. एक तो बड़ा ये लगता है ना कि स्टोरी रीपोस्ट हाँ

तीसरे दिन दिन कुछ नहीं था भाई hmm. तीसरे दिन से दो महीने कुछ नहीं है एजीडी का मतलब कुछ भी दो नहीं दो दिन का हल्ला और उसके बाद सब सब शांत 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 हो हो गए नहीं नहीं मतलब हुए हाँ। पर मैं हो गया उस बारे में अच्छा आपके लिए बोल हाँ, हाँ। मैं में लिए लिए बोल रहा। अच्छा, कि सब अभी पोस्ट कर रहे मैं अपडेट बट आई एम जस्ट से प्लस पॉइंटिव पॉइंट बट इट इज वर्किंग कोई इसमें कुछ सही गलत है ही नहीं यार आई थिंक आई थिंक टू वीच इज ओन हाँ इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड ऑल्सो जब आ, आप ना uh, चौहान स्कूल ऑफ म्यूजिक से आ, <laughs> हो ना ah. आपके स्टैंडर्ड्स उतने हाई हो ठीक है बेंच मार्क्स इतने हाई हैं करेक्ट तो हम क्या है यार हमने क्या किया अभी ah. हाँ. कुछ नहीं किया हमने मतलब कुछ नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट सो सो इतने धुरंधर धुरंधर बैठे हैं ना जिन्होंने क्या क्या करके और अभी भी वो कर रहे हैं mm. और अभी भी वो ऐसा कर रहे हैं mm. जैसा पता नहीं कोई कर भी सकता है क्या mm. जो भी माहौल sure. चल रहा sure. है जिस हिसाब से ठीक है सो फॉर मी आई लुक अप टू टू देम सो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं बी ऑनेस्ट इफ यू आस्क मी एंड दैट्स आई एम अपने क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इतने बड़े लोग हैं बड़े आर्टिस्ट हैं ठीक mm. है तो मैं जब उन उनके साथ बैठता भी हूँ या फिर mm. उनके आसपास रहता भी हूँ थिंक

मुझे साइड में लेके आए जब सब मतलब इधर उधर hmm. हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि एंड एंड दिस इज द थिंग विच आई बिलीव इन आई टोटली बिलीव इन ठीक है उन्होंने वो बहुत अच्छे से कही कि uh, कभी भी ना अपने ये जो भी आप अचीव करते हो उस पर गुरूर मत करना बिकॉज यू ओ एवरी थिंग टू योर आर्ट इट्स नॉट यूज मेकिंग योर आर्ट और मैं हमेशा बोलता हूँ कि hmm. मैं अपनी आर्ट का मजदूर हूँ hmm. तो मैं बस मजदूरी कर रहा हूँ एंड इवन इफ यू नो पीपल रिकग्नाइज मी कि दिव्यांश बीट बॉक्सिंग करता है दिव्यांश और डी वी के बीट बॉक्सर दैट बीट बॉक्सर बीट बॉक्स बीट बॉक्सिंग इज कमिंग राइट एंड माई आर्ट इज बिकमिंग मोर पिक डे बाई डे सो दैट्स व्हाट आई एस्पायर एंड एंड बीट बॉक्सिंग तो है ही आई हैव मोर डिमेंशंस आई नो सो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट एज एन आर्टिस्ट So yeah. Fantastic, by Fantastic. I think um, you, as a person, uh, in terms of, you know, just being out there, uh, and I've met you before, yeah. and I can say on camera that there is um, no pretense at all, uh, mm. and I can say it on because I've met you and we've had a very discussion yeah. about <laughs> a lot of things, <laughs> which we'll discuss off camera yeah. as well. But uh, but yeah, I think. Uh,

18 साल का था ना हाँ। मैं तब से इन्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, और बढ़िया ये इसलिए क्योंकि भाई मैं हूँ <laughs> <हुं। laughs> <हुं। laughs> तो सारी चीजें क्या है हमें हमारे घर में हमारे <laughs> <laughs> व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चलता है भाई तो हम कैसे इन्वेस्ट ना करें ठीक है तो सो ये प्लॉट है ये फुल प्लॉट है और लाइक माय डैड चाचा एवरीवन इन्वेस्ट तो shares me, plss yeah. uh -huh. ppf nps uh to name name few yeah, of course okay i've invested and i and like i've been investing my money सो so, ऑफकोर्स पहले थोड़ा कम अमाउंट था हाँ, अभी जितनी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ी तो थो, थोड़ा हाँ, ज्यादा so, क्रिप्टो नहीं क्योंकि नॉलेज नहीं है, उस बारे नहीं नहीं है, है हाँ. तो मैं जिस बारे में, में को नहीं नहीं कभी नहीं आज तो किया मतलब तो जैसे बस पता है लेकिन करते करते सीख गए क्रिप्टो में भी कर सकते थे हाँ कर सकता था बट ना वक्त नहीं था हाँ, मुझे तो लगता है कि भैया हाँ, <laughs> हाँ, <laughs> तो मेरे को ना एक एक और चीज़ है मैं बहुत दिल से बताओ भाई बताओ मेरे को ना आ, मेरे को पता है ये स्मार्ट आ, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिंग मनी हाँ, और ये सब ठीक हाँ, है हाँ. बहुत फालतू बात लगेगी हाँ. मेरे को थोड़ा शॉर्टकट लगता है मेरे को थोड़ा ऐसे होता है कि मैं मेहनत से पैसे कमा लूं एक बार में पैसे डबल हाँ वो अनुराधा जी जो स्कीम लगा रही है ना ठीक है

लास्ट मूवी कौन सी देखी थी यार ये ये क्वेश्चन होता है ना बंदा भूल जाता है भाई भाई आप 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 भूलो अभी दो सेकंड लो लास्ट मूवी देखी ये, ये भाई? ही फॉर्मेट फॉर्मेट है भाई, कोई ही नहीं है कोई नहीं मैं बार-बार प्लग इन करते शेमलेसली <laughs> <laughs> तो ना पॉपकॉर्न करके एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग इट बिकॉज उसमें जॉनी लिवर राज एंड uh, सारे लोग एंड yeah, yeah, yeah. चंकी पांडे जॉनी लिवर ओ माई गॉड जॉनी लिवर न, we've न, got, uh, इसके बाद राजपाल यादव राजपाल यादव जेमी लिवर न, पांडे, चंकी पांडे एंड देर लॉर्ड ऑफ द सुपर स्टार्स सुपर

चलो ये काफी डीप क्वेश्चन हो गया मतलब एक्टिंग की बात करें कि आई लव आई लव ऋतिक रोशन अरे भाई स्वीट आई लव हिम टोटली आई आई एम द आई थिंक शाहरुख खान सर के सब फैन है मैं उनमें से हूँ भाई साक्षात प्रणाम तो तो हम क्या करते हैं ना भाई जैसे भी जब जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ ना एंड वेन पीपल टेक नेम्स दैट आई ऑल्सो रेजिनेट विथ वट आई डू इज आई मैनिफेस्ट I manifest them to be on this sofa. Hmm. Oh wow! Where Amazing. I uh, will have them on the show sometime. For sure. अब चाहे वो चिलार नाम रहे उस समय कि कुछ और नाम रहे, so be it. Ah. But I'm manifesting one एक घंटे का conversation hmm. with the person. So yesterday we shot a couple of episodes, and yesterday someone mentioned uh, Manoj Bajpai sir. Of course. So I'll now I'm I have manifested that Mr. Bajpai will be sitting here. Amazing. And I will have a ghanteya conversation.

It's yeah, it's amazing. is uh, best friend, my uh, <laughs> best friend. अब दियान के घर में खाना बना भिजवाऊँगा No, I think I've been uh, fortunate to be honest uh, huh. that I've been able to meet uh, such amazing personalities, uh -huh. and uh, I think I'm I'm just truly blessed. I've met a lot of people and. Uh, it's in so much to learn from them hmm. and from their demeanor right so ha and bollywood pasand hai mujhe hollywood pasand hai mujhe tom cruise bahut pasand hai are shabash mujhe bahut zyada pasand hai like uh, i love his movies mm. aur uh, main thoda masala movies dekhta hu i love dwayne johnson are the bhai, rock Fantastic. i love i love him theek hai you also like uh, ryan reynolds Oh, I mean, I like him. Haan. He's nice. Haan. Haan, wo Red Notice थोड़ा सा मन बदल गया

तो जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान सर का अगर मैं बोलता हूँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सैन्यीटा ठीक है तो मैं मैं बोलूँ साथ साथ और है ऐसे कुछ कर लेते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है ओके

सो यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स इट इज प्रटी ओके ठीक है दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इफ यू आर गोइंग ऑन स्टेज ठीक है तो एक थोड़ा डिफरेंट फीलिंग के लिए यू नो पीपल टू इट और टू हैव स्वै और टू हैव वाइक बिकॉज दोज क्लोथ्स और दैट कैप दैट रिंग्स दे रिप्रेजेंट दैम दे रिप्रेजेंट देर वाइब एंड इट इज कंप्लीटली ओके ठीक है एज एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न कंसर्न तुम कुछ भी पहनो भाई ठीक है बट बस लिप सिंक मत करो वो मेरे लिए मतलब लोग करते हैं ठीक है, है? हाँ. मतलब अभी इफ आई एम गोइंग फॉर अ कॉन्सर्ट आई वुड लाइक हाँ मतलब आई डोंट नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट किया है नहीं किया है पता नहीं बट हाँ, हाँ, मतलब मुझे जस्टिन बीबर का नहीं पता टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा मतलब सा लोग बात कर रहे थे आई डोंट नो हां बट मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट हां अगर आपको कोई देखने आ रहा है हां तो आप यार सीडी तो मत चलाओ ना ना ठीक है फेर मेरे को बस ये लगता है हुँ. अगर मैं अगर मैं किसी कॉन्सर्ट की टिकट खरीद रहा हूँ मैं तो अभी एज एन आर्टिस्ट भी नहीं बोल रहा मैं तो एज एज एन ऑडियंस बोल रहा हूँ ठीक है अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं देखना चाहूंगा कि यार आ, थोड़ा एफर्ट तो लगा है। तो सीडी पे पे मैं घर भी सुन सकता हूँ ना मैं घर पे चला लूँगा फोन पेट लैपटॉप लगाया मैं यूट्यूब पे देख लूंगा हाँ, फिर तो क्या हाँ, शक्ल में तो बस मुझे कुछ भी करो बढ़िया सारी चीजें बट अपने लाइव शोज में थोड़े एफर्ट्स डालो मुझे वो लगता है ये बताओ जम्पे आया और व्हाट इज इट विद जंप विल

आई एम ए वाली बॉल प्लेयर आई यूज टू प्ले प्रोफेशनली एंड आई रिप्रजेंटेड राजस्थान मुझे इंडिया के लिए खेलना था और मुझे वॉलीबॉल प्लेयर ही बनना था और मैंने बहुत सीरियसली वाली बॉल खेला एंड टू बी ऑनेस्ट जो भी मैंने किया लाइफ में बहुत सीरियसली किया है बहुत शिद्दत से मतलब अपने हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स डाले उसमें और तो वॉलीबॉल बहुत प्यार है तो वो जो जम्प है जो भी है आई थिंक वो वॉलीबॉल की वजह से I'm a fit, fitness enthusiast. Of course, मैं भी एक एक डेढ़ साल से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ नहीं हो पाई है बट uh, मुझे बहुत प्यार है फिटनेस से hmm. और स्पोर्ट्स से hmm. गेम से मतलब बहुत क्या खेलते हो भाई भाई मैं, I think मैं सब कुछ खेला हुआ हूँ सब, खेल सब खेला हूं मैं आ, मतलब मैं, अगर मैंने कोई खेला भी नहीं हु ना तो मैं अभी भी वो खेल सकता हूँ मतलब वो है कौन सा स्पोर्ट बहुत लगता है वॉलीबॉल के अलावा वॉलीबॉल तो है ही क्रिकेट क्रिकेट खेला है क्रिकेट खेला है क्रिकेट में अभी क्रिकेट भी खेला है मैंने आईपीएल देखते हो क्या डिवीजन खेला है आपने डिवीजन लीग अरे स्वीट भाई बट मैं 8th स्टैंडर्ड में तब खेला था मैंने बहुत छोटा था अच्छा उस समय 13 अंडर 14 खेला था हां बट आईपीएल देखते हो आईपीएल देखता था अभी भी देखता हूं कभी-कभी मजा आता है हाँ मतलब आईपीएल से ज्यादा मुझे टेस्ट मैच देखने मजा आता है हां मैं हाथ भैया ये हमारे हां मतलब ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर मिले हैं हां मतलब आईपीएल वगैरह ओडीआईस

पर्सनल uh, प्रॉब्लम्स भी थोड़ी और uh, पता नहीं आई थिंक थोड़ा रेस्टलेस था मैं अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फालतू है आई थिंक लोग सीख भी सकते हैं मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि सो, सोना क्यों है लाइफ में इतना सारा काम है वो कर लो ठीक है बट फिर समझ आया कि भाई सोना बहुत इंपॉर्टेंट है योर बॉडी योर माइंड नीड्स रेस्ट रेस्ट ऑफ कोर्स और uh, फिर कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी आ, वो थोड़ा प्यार व्यार इश्क विश्क बात करना चाहोगे कर सकते हैं सबकी दिक्कत नहीं है बता आ जाओ

क्योंकि सबको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से तो आ जाओ भाई um, पहले प्यार कब हुआ फर्स्ट पहले प्यार कब हुआ फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेली लव आई वाज इन लव विद सो एक ही रिलेशनशिप में रहा हूं ऑफिशियली हां चलो ठीक है एंड दैट वाज वेरी वेरी क्लियर दैट वे या way, uh. yeah, मैं मैं एकदम सच बोलता uh, यार uh, ठीक है सही है so, भाई दैट वाज 9 इयर्स बैक हां एंड शी वाज अ वॉलीबॉल प्लेयर टू एंड हाँ खेलते प्यार हो खेलते खेलते नहीं वो मैं ना उसकी टीम के अगेंस्ट मतलब छोटा सा किस्सा है भाई और क्या ये वायरल रील है भाई मैं लिख के दे रहा हूँ लिख के दे रहा हूँ

भाई खेलने का तरीका है कितनी गालियाँ दे रहा है हाउ इज ही परफॉर्मिंग दैट्स वॉट मैटर्स ठीक है मूविंग ऑन तो मेरे को गाली दे दी भाई अब उस दिन पता नहीं क्या हुआ मैंने गाली वापस दी नहीं उसने गाली दिया किसी और ने मतलब और जो उसकी टीम का मेल प्लेयर था ना अच्छा। मतलब वो गर्ल्स टीम में थी ठीक हाँ, है हाँ, और जो उनकी बॉयज टीम थी ठीक है उसमें से एक बहुत अच्छा अटैकर था तो उसको आ, उसने, उसने उसने मैंने ब्लॉक किया वो हाँ. भाई उसने जो अटैक मारा हाँ. मैं भी ओ, मैं ये क्या शॉट मारा है। हाँ. फुल एस एकदम हाँ. क्रेजी हाँ. तो उसने अटैक किया हाँ. उसने गाली दी आ, अग्रेशन में अब पहली बार लाइफ में होगा मैंने गाली नहीं दी और ना मैंने उसको देखा मैंने स्माइल किया और मैं पीछे आया क्यों ऐसा हुआ आपको लगा कि यार नहीं यार लगा हुआ कि अप्रिशिएट कर रहे हो आप पता नहीं भाई मेरी पहली लव स्टोरी की दास्ता लिख रही हूँ लिख रहे होंगे शायद भगवान जी का तो अच्छा। इसलिए मैं स्माइल कर दिया मैंने ठीक है तो स्माइल करके पीछे गया और आ, मैंने जो मेरा सेटा था सिर्फ आंखों आंखों में इशारा हुआ उसने इशारा किया ठीक है और

कि बहुत अब, अब 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 खेल खेलेगा और वैसा सा सीन तो तो आई थिंक दैट मोमेंट और फिर जब आप ऐसे हाथ मिलाते हो गेम के बाद hmm. तो वो हुआ सो यू नो दे दिस आई कॉन्टैक्ट और हाँ वो लव एट फर्स्ट साइड वो जो होता है ना वो हुआ सो दैट है वो एक साल दो महीने कुछ टाइप्स चला उसके बाद एक मैंने साल दो महीने देखा अभी मैं डेट वेट टाइम बोल दूंगा ना लोग बोलेंगे बहुत चीज़ है ये

So, दिल दिल में जो चल रहा है वो तो कभी ना कभी तो लिखेगा तो तुम उसे कैसे बोल सकते हो कि भाई वो उसका जिक्र ना करे है ना बात मतलब दिल की ठीक है।, है, है अब कुछ लोग उसको थोड़ा डिमीनिंग वे में कर देते हैं ठीक है कुछ लोग उसको उतना ही ब्यूटीफुल तरीके से कर देते हैं करेक्ट ठीक है करेक्ट मतलब कुछ शायर हैं इसलिए जिनका दिल भी टूटता है तो बड़े ब्यूटीफुल तरीके से उसे बताते हैं कर देते हैं तो तो हो जाती हाँ। कभी कोई किसी कोई गाने लिख देते हैं करेक्ट मतलब धोखा भी खाया हो किसी ने हाँ। ठीक है हाँ। उसको भी उस में, उस में भी उसमें उसमें कुछ ना कुछ, ना, कुछ उसमें कर देंगे निकल वो बढ़िया एंड इज नो ब्लेम ऑन एनी पर्सन और भाई आई एम इनसेन बहुत बढ़िया भाई। जिस तरह का मैं इंसान हूँ आई थिंक तो वो है मैं बहुत इमोशनली मैं बहुत ज्यादा अटैच hmm. और बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूँ इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब मैं ऐसे ट्रीट नहीं करता दैट यू आर आर सेपरेट एंटिटी फॉर मी यू आर इन माई टीम एक यूनिट है तो फिर आप क्या होता है कि एक तो वो भी है कि आप ज्यादा परवाह करते हो ना hmm. तो लोग लापरवाह हो जाते हैं क्या बात है तो भाई आप लिखा लिखते भी हो <laughs> हाँ कोशिश करते हूं लिखते हो ना ऑसम भाई अ कपल ऑफ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस दैट दैट यू वांट टू एंड द पॉडकास्ट विद व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू ओन मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई ओन यू ओन या आप आपने अपने पैसों से सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है

अच्छा हाँ मैं सिर्फ यूजलेस पता है क्या खरीदता हूँ मैं ना कुछ कलेक्ट करते हो आप ऐसे होल्ड करते हो कुछ ओ यार, वो बोल सकते नहीं बोल सकते पता नहीं यार हो होटल वाले मेरा ध्यान रखने लग जाएंगे मैं होटल की कीज मार लेता कीज़ भाई वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है ना हाँ, वो नही नही तो... नहीं नहीं अरे कहीं कहीं नशा है ना वो डेरी ना मिल्क पाउडर अच्छा मैं खा जाता हूँ ऐसे ही

क्योंकि ना आई थिंक शुरू से अपब्रिंगिंग ऐसी रही है तो पापा ने एक चीज सिखाई है पापा मम्मी ने कि ना पैसों को आई थिंक मतलब पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट right. और उसे सही जगह खर्च करना और सारी चीजें तो अब क्या एक ना एक चीज़ हमारे माँ बाप हमेशा बोलते हैं जब तुम कमाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा हाँ। तो वो जब कमाना Correct. स्टार्ट हुए ना थोड़ा ऐसा कि थोड़ा बहुत तो समझ आया है अब क्या है कि अगर कुछ भी पैसे जाते हैं ना तो ऑफकोर्स वो होता है हाँ. कि अच्छा ओ ओके आई एम स्पेंडिंग स्पेंडिंग सो यूज़लेस मैं कुछ लेता नहीं हूँ हाँ. मतलब कपड़े ही हो सकते हैं कभी कि मैं हो सकता है कि मैंने एक दो बार ही पहने हो uh, वो हो सकता है हुँ. अगर कुछ यूजलेस बट वैसे आई थिंक कुछ यूजलेस कभी लिया ही नहीं है डू यू

तो येलो ये socks, ये, ये ये जो सॉक्स है हाँ. ये सॉट के हैं अच्छा एंड व्हिच इज माय फ्रेंड्स ब्रांड इन जयपुर और uh, so मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ. ठीक है बट हाँ मैं कपड़ों पे वक्त लगाता हूँ क्योंकि मुझे पहनना पसंद है कपड़े और हुँ. मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ा सही रहते हो ना आप थोड़ा इट इट गिव्स गिव्स यू 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 लॉट लॉट ऑफ 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 कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कोर्स एंड आल्सो फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड खुद को अच्छा महसूस करवाओ क्यों नहीं uh, मतलब कभी कभार यार मूड के ऊपर भी डिपेंड है uh. कभी कभार मेरा uh. मूड होता है कि मैं uh. एक बर्थडे पार्टी में मेरे को सिर्फ विश करना था मेरे एक दोस्त को <laughs> मैं अपने लोअर टी शर्ट चप्पल में चला गया उसको विश करके आ गया uh. ठीक है क्योंकि ना ना ही मेरे को पार्टी का कुछ शौक है uh. तो बस मुझे विश करना था तो मूड के ऊपर है अभी हो सकता था आज मैं चप्पल पहन के आ जाता मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है मतलब इट्स जस्ट दैट वट आई एम फीलिंग बट हाँ इफ आई एम गोइंग समवेयर आई आई डोट केयर अबाउट वट आई एम वेयरिंग राइट और ओकेजन क्या है उसके हिसाब से क्या आ, पहन रहा हूँ क्योंकि मतलब है मेरी चॉइस है वो मुझे ऐसा लगता है कि और ऐसे ना थोड़ा तवज्जो भी होती है ना आप हाँ। तवज्जो भी दे रहे हो दूसरे इंसान को तो मुझे Fair लगता है कि हाँ सही है भाई आई थिंक वी हैड अ वेरी इंटेंस डिस्कशन अबाउट बीट बॉक्सिंग अबाउट लव अबाउट बंच ऑफ टॉपिक्स कमिंग टू बीट बॉक्सिंग कपल ऑफ क्वेश्चन भाई रियाज क्या है कैसे प्रैक्टिस करते हो और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो और ऐसा भी है कि ठंडा पानी नहीं पीना पड़ता कि गला को ध्यान रखना आ, पड़ता है ये आ, नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते आ, आ, और इसका सबसे बड़ा कौन क्या है मतलब न, हेल्थ को लेके बीट बॉक्सिंग का कुछ इफेक्ट हुआ है कि आपकी की मतलब बिकॉज ऑफ आर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस हेल्थ खराब हो गई हो क्या लाइक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इट रियाज के बारे में थोड़ा पहले रियाज के बारे में बताता हूँ कि एक वक्त था जब मैंने 10 से 12 घंटे भी रियाज़ किया है दिन में हाँ बहुत बढ़िया और आठ महीने लगातार आठ महीने लगातार हाँ एक रूम में आ, मैं थर्ड ईयर में था अपने और सेकंड थर्ड ईयर का जो दिल्ली की, दिल्ली की बात है दिल्ली की बात है और बंद कमरे में आठ से दस घंटे बारह घंटे रोज़ प्रैक्टिस किया है थिंकिंग कि सामने खाली एकदम दीवार है और यहाँ पे दस हज़ार लोग हैं और मैं फ्यूचर में परफॉर्म कर रहा अच्छा सो आईव प्रैक्टिस और बहुत प्रैक्टिस करी है मैं ये बोलूँगा mm. और uh, सबको लगता है कि पीट बॉक्सिंग इज अबाउट हाउ मनी साउंडस यू लर्न कि आपके किटी बैग uh, में mm. कितने आपके आसनल में कितने सारे साउंड्स हैं mm. वो सबका एक कॉमन नोशन uh, है बट फॉर मी इट वॉज लाइक कि मैं अगर दसवीं साउंड्स जानता हूँ दे शुड साउंड रियली गुड दे शुड साउंड perfect mm. they should sound really nice and crisp and hmm. crunch hmm. तो मैंने उस तरह से प्रैक्टिस किया मैंने एक एक ग्रूव hmm. जैसे अगर मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस करूँ तो ये मैंने आधे घंटे सिर्फ यही किया है hmm. ये परफेक्ट करने के लिए सिर्फ सिर्फ ये किया है hmm. रोज चाहे कितना भी बोरिंग हो आई hmm. practiced ऑन मेट्रोनॉम आई practiced ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स आई आई

सो so, हाँ मतलब वैसे रियाज़ किया और सारी चीज़ें करी एंड देन uh, जब मैंने दिल हिंदुस्तानी किया तो और चीज़ें पता चली mm. उस सेटिंग में कि आपको कैसे परफॉर्मेंस सेट करनी होती है अरेंजमेंट क्या होता है uh, क्या एलिमेंट कहाँ डालना है अगले एपिसोड में वो रिपीट नहीं करना है ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ये बहुत रिपीटिव हो रहा है सो द चॉइस ऑफ साउंड यू मेक वेल यू आर सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस वॉट साउंड गोज़ विद वॉट काइंड ऑफ सॉन्ग्स सो द होल डायनामिक्स सारी चीज़ें करेक्ट और वो वो तभी आती है जब आप ना एक्सपीरियंस के साथ आती है बेसिकली ठीक hmm. है तो तो इस तरह से रियाज किया है अभी इतना रियाज नहीं कर पाता मैं क्योंकि आई एम टूरिंग एमरिंग कर रहे रहा हूँ हाँ. हाँ. तो जो रियाज होता है वो साउंड चेक और परफॉर्मेंस के वक्त भी होता है क्योंकि टू बीट बॉक्स फॉर सम लाइक कितने टाइम का परफॉर्मेंस होता है भाई मतलब कितने भाई? कितने परफॉर्म एक 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 परफॉर्मेंस के लिए कितने घंटे का परफॉर्मेंस होता है और कितना घंटा आपको बीट uh, बॉक्स करना होता है एक परफॉर्मेंस और एंड इज इज़ इज़ इट 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 भाई आई हैव परफॉर्म फॉर एन एनआर ऑल्सो आई हैव परफॉर्म फॉर फोर्टी मिनट्स आई परफॉर्म फॉर थर्टी मिनट्स एक घंटा कंटिन्यूस हाँ भाई मैंने एक मैंने वेडिंग शो किया भाई एक घंटे लगातार बीट बॉक्स और सिर्फ बीट बॉक्स फ्लूट और कीबोर्ड है इज नथिंग एल्स एंड आई डन इट लाइक एंड फॉर दैट

It's, it's like कुछ फनी इंसिडेंट बताओ कि बीट बॉक्सिंग को लेकर कुछ ऐसा फनी हुआ हो जाते जाते कुछ एक बढ़िया फनी इंसिडेंट बता के जाओ कि भाई ऐसा कुछ फनी हो गया या कुछ वियर्ड हो गया कुछ मतलब सुन uh -huh. के मजा आया ऑडियंस को बीट बॉक्सिंग को लेके या एनी थिंग प्रेफरेबली बीट बॉक्सिंग बिकॉज पीपल वुड वॉन्ट टू नो द स्टोरी बिहाइंड योर जर्नी इन एविथिंग तो कुछ ऐसा फनी या कुछ परफॉर्म करते हुए कुछ फनी हो गया या कुछ मैसअप uh -huh. हो गया uh -huh. या मे बी सीखते वक्त कुछ ऐसा हो गया कुछ yeah, भी यार मैं बहुत रिसेंट इंसिडेंट बताता हाँ बताओ भाई <laughs> uh, so uh, हाँ। हाँ। एक शो करा था एक कॉलेज में हाँ। तो क्या हुआ ड्यू टू समेनिकलचेज एंड टेक्निकल नो आवर्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो मेरा माइक बंद माइक बंद हो गया अब बाहर okay. किसी को कुछ नहीं सुनाई दे है

is is there on on stage stage हाँ. like what is he doing the समझ आ गया। हाँ. ना <laughs> तो मेरे को फिर समझ नहीं आया मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि की? वो जंप किस पे कर रहे थे हाँ. <laughs> वो, वो तो मुझे नहीं पता अगर सुना ही नहीं दे रहा, तो किस चीज पे वाइप कर रहे थे तो अब क्या होता है की अगर मैं ये दिव्यांश पांच छह साल पहले का होता ना वो रोता रहता कि ये क्या हो गया hmm. ये क्या कर दिया ठीक hmm. है अब अच्छा फिर माइक सही हो गया फिर कर yeah. दिया परफॉर्म और पर yeah, सुना दिया सब yeah. कुछ ना ना एक बंदा आता है yeah. मेरे को बोलता है भाई हनी सिंह भाई ने बोला था खाली सीडी बेचूंगा तो भी बिकेगी आपने बेच के दिखा इट इज आई नो इफ पीपल लव मी दैट मच

आई फील ग्रेट अबाउट इट बिकॉज दैट इज वॉट हैज बीन वन ऑफ द पर्पस मतलब मैं वजह से नहीं कर रहा हूँ hmm. uh, कुछ भी टू बी ऑनेस्ट बट और ये भी मेरी वजह नहीं है वैसे hmm. देखा जाए बट hmm. हाँ एक ये होता है ना कि एक आपका एक गोल होता है आपका hmm. Mm. कि मुझे पता है कि अगर जितनी जगह मैं देखूंगा जितनी जगह मैं तो वो लोग एसोसिएट करेंगे लोग बीट बॉक्सिंग क्या है सो so, मैं कभी भी फ्लाइट में जाता हूँ मैं किसी mm. भी शहर में जा रहा हूँ मैं हुबली में जा रहा हूँ मैं मैंगलोर जा रहा हूँ मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ गेस्ट ऑन इंडियन आइडल बिग थिंग इनविटेशन

और लोग कॉल करते हैं हाँ ठीक है हाँ. कि और लोग बोलते हैं कि यार तू बहुत सही कर रहा है ठीक है और सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार आई यू इट्स इट्स अबाउट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ हाँ मतलब आई आई एम नॉट सीकिंग कि मेरे लिए ये डाल दो वो पोस्ट कर दो मेरे of course, बारे में बट आई थिंक वेन समन जस्ट टेक्सट यू आउट ऑफ द ब्लू और कॉल्स यू कोई कॉल कर देता तो मैं तो

वो बहुत पहले चला गया वैन यू नो सुनीधि मैम आर्टिस्ट लाइक अनुष्का शंकर आई हैव अप्रिशिएटेड माई आर्ट सो वो बहुत पहले ही मतलब वो हो गया वैलिडेशन <सवस्थ> वाला जो सीन है ना ठीक है सो आई एम नॉट ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू गुड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई आर्ट एंड दस दी दस द्रायरिटी दस दी या हाउ आई आई थिंक आई एम लिविंग माई लाइफ बहुत बढ़िया भाई आई थिंक वी हैड अ वेरी

but uh Jarabhai, something but that you can on. show us okay, I, i'll just audience. freestyle ha bhai. like yeah. something ha up, your 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 take yeah. your call साहब वो वो सॉरी मैं मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया ऐसे कुछ है ऐसा कुछ है ओ भाई साहब अभी थोड़ा सा कल रात में ही प्रैक्टिस करी तो मैं थोड़ा गला रेस्ट करने का टाइम था बट बट आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट इनसेन भाई इनसेन थैंक यू इनसेन थैंक यू सो मच दिल के भाई कैन आई डू इट वंस मोर भाई ये तो नेकी और पूछ पूछ आप हमें पकड़ा दो मैं सेम चीज वापस करता हूँ चलो भाई यही तो आर्टिस्ट को चाहिए गला सूख गया था चलो भाई आप ले लो पानी वानी पी लो यही तो चाहिए भाई यही तो हमें चाहिए हम्म

such podcast and everything and this was my first time because I thought because you, I think you made me comfortable to uh, do that and that's so much, that's how your vibe is thank I you think you so when much, we buddy. first spoke yeah. uh, to the to the time uh, now we are doing this yes. and I, I know we'll be doing more greater things more of great course, things of course. Uh, but it's been a pleasure and uh, thank you so much for having me uh, it's wonderful that you uh, didn't just give give me the chance mm. to be here on your show but you also gave beatboxing मे बी माई जो मेरी आवाज़ है आई थिंक उसके थ्रू बीट बॉक्सिंग mm. uh, जो रिप्रजेंट मैं यहाँ पे कर पाया हूँ एज अ बीट बॉक्सर आई थिंक दैट्स दैट इज़ वॉर आई एम ग्रेटफुल फॉर सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड टू द ऑडियंस हु आर वॉचिंग अस आई वुड जस्ट से दैट बी लॉयल बी ऑनेस्ट हैव प्योर इंटेंशंस एंड भगवान बिना नवाजता है तो आप अच्छे से काम करते रहो अच्छे इंटेंशंस के साथ और सबके साथ अच्छे से रहो एंड आई एम डीली श्योर दैट यू विल किल इट इन योर लाइफ मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता बट डैश फाड़ देंगे so, uh, yeah. शाबाश yeah. शाबाश थैंक यू सो मच गाइज फॉर फॉर ट्यूनिंग इन टू द पॉडकास्ट एंड दिस वी कम टू द एंड इफ यू लाइक डिट एम विच एम श्योर यू लाइक डिट